अस्सलामुअलैकुम फेरी बाइस किचन में आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि मैं फ़न वीकेंड की कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी। वीकेंड था और वीकेंड पे बच्चों ने सुबह देर से उठे, सब पूरी फैमिली देर से उठी और मोस्टली हर घर में ही देर से उठा जाता है और नाश्ते का तो कोई सीन नहीं होता, तो ऐसे में नाश्ता स्किप हो जाता है और लंच का भी कोई रूटीन नहीं बन रहा होता। तो ऐसे में हम कुछ नया चाह रहे होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा चाह रहे होते हैं और बच्चों ने फूड पांडा के थ्रू गोलगप्पों का ऑर्डर कर दिया और इस क्वारंटीन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इस फूड पांडा को हुआ है। और ये गोलगप्पे हैं, मैंने कहा कि बच्चों के आने से पहले कुछ गोलगप्पे फिल करके रख दूँ ताकि मैस ना हो, और लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की, उन्होंने तो अपनी मर्जी करनी होती है। तो जो फिलिंग करके मैंने गोलगप्पे रखे तो वो वैसे ही रखे रहे और सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने इन्जॉय की और बच्चों ने अपनी मर्ज़ी की फिलिंग की, अपनी मर्ज़ी की सॉसेज इसमें इन डाली जितनी क्वांटिटी में उन्हें जो चीज़ चाहिए थी और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया इस पार्टी को। जी ये वो गोलगप्पे हैं जो मैंने फिल करके रखे थे बच्चों के लिए, लेकिन उन्होंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया और आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस कदर मेस की है। लेकिन ये भी एक फ़न का पार्ट होता है, बच्चे इस तरह इन्जॉय करते हैं अपनी मर्ज़ी से जब खा रहे होते हैं कोई चीज़, तो अच्छा लग रहा होता है ये सारा कुछ, थोड़ा सा मेसी भी होता है लेकिन बहरहाल ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसको भी इंजॉय किया जाता है और करना भी चाहिए। तो गोलगप्पा पार्टी हो गई, ये सॉस देखें एंड हो गई, ये उनकी फेवरेट सॉस है जबकि बाकी कुछ बची हुई हैं, लेकिन ये इमली की सॉस उनकी फेवरेट है। इसके साथ मैं आपके साथ कुछ और अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी इस वीकेंड की। तो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने घर में ग्रो की हुई है और ये इससे पहले मैंने ग्रो कभी भी नहीं की, फर्स्ट टाइम मैंने ये ग्रो की थी। इसके लिए कुछ फ्लावरिंग बेड्स उसका अरेंज किया गया, सॉइल का अरेंज किया गया और सीड्स का भी। काफ़ी हेक्टिक था ये सारा कुछ लेकिन बहरहाल बहुत इंजॉय किया। जब ये छोटे छोटे प्लांट्स जो थे वो ग्रो हो गए तो बहुत अच्छा लगा। और ये मेज प्लांट है जो सबसे पहले इसमें से ग्रो हुआ था और बहुत जल्दी जल्दी ये ग्रो हो गया। और ये तीन मेज प्लांट थे जो इस बेड में मैंने जिनके सीड्स सो किए थे। इसके साथ और भी कुछ वेजिटेबल्स हैं, मैंने रेडिशेज इसमें कुछ उसके सीड्स डाले थे, कुछ मेरा ख्याल है इसमें टर्निप्स के सीड डाले थे और कुछ और वेजिटेबल्स थी। ये एक और मेरे पास पॉट था, इसमें एलोवेरा का पौधा था, तो इसमें भी मैंने मेज़ के कुछ सीड्स जो थे वो सो किए थे। मैंने 3 सीड्स इस फ्लावरिंग बेड में सो किए थे जिसमें से जस्ट 2 जो हैं वो ग्रो हुए और तीसरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, या तो सीड के साथ कोई प्रॉब्लम हुई या सॉइल के साथ कोई प्रॉब्लम हुई और वो ग्रो नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स जो थी वो ग्रो की थी। तो ये आज फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी हमारे टर्निप्स की, इनकी बारी है। तो ये देखें आप किस तरह कितने अच्छे लग रहे हैं ये हमारे हमारी वेजिटेबल्स, ये टर्निप्स, और कितने फ्रेश लग रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वेजिटेबल्स को सो करने का। जब सीड्स सो किए थे तो मुझे आइडिया नहीं था कि इनमें कितना डिस्टेंस रखना है और किस तरह इनको सो करना है, तो मैंने वो जिस तरह सीड्स डाले तो वो उनको जहाँ जहाँ जगह मिली प्लांट्स को तो वो वहीं ग्रो हो गए और कुछ को जगह कम मिली तो कुछ को ज़्यादा, इसी वजह से इनके साइजेस डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बेहतर करूँगी। ये एग प्लांट है जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इसमें ग्रो किया है, इसमें थोड़ी सी जगह थी, आप देख रहे हैं साइड पर सारे प्लांट्स चले गए और दरमियान में जगह खाली है। तो ये फर्स्ट टर्निप है, आप देख रहे हैं ये डार्क कलर का जो नज़र आ रहा है वो फर्स्ट टर्निप है। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपने फर्स्ट टर्निप को, उसको हार्वेस्ट करते हैं। बहुत खुशी हो रही थी बच्चों को भी और मुझे भी, और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना फ्रेश लग रहा है ये टर्निप। इस तरह बाकी सारे टर्निप्स भी मैंने हार्वेस्ट कर लिए, निकाल लिए। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप भी इस एक्टिविटी को ट्राई करें, एक तो इन्जॉयमेंट हो जाती है और कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें फ्रेश, हमें ऑर्गेनिक वे में घर में ही मिल जाती हैं। ये काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये सारे टर्निप्स मैंने आज हार्वेस्ट किए हैं
और इनका क्या करूँगी, इनको हम कच्चा खाएंगे या पकाएंगे, तो इसका तो अभी कुछ भी नहीं सोचा। एनीवेज आप मुझे कोई रेसिपी सजेस्ट करें कि टर्निप्स की कौन सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सारे टर्निप्स जो थे वो मैंने आज निकाल लिए हैं इस बेड से, बस ये थोड़े से रह गए हैं, इनको इसी तरह रहने देंगे हम कुछ दिनों के बाद, इनके साथ देखेंगे क्या करते हैं। वॉश कर लिए मैंने सारे टर्निप्स, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। इसके साथ ये एक मस्टर्ड प्लांट है जो मैंने पालक की जो थी क्यारी उसमें मैंने कुछ पालक के जो सीड्स थे वो सो किए थे, तो उसके साथ ये खुद ही निकल आया ये प्लांट। तो इसकी कुछ स्टेम्स मैंने काट के साग में भी डाली हैं और बहुत अच्छा टेस्ट बना है उसका। इसके साथ ये कद्दू की बेल है और ये देखें ये बाउंड्री वॉल है उसकी फेंस के साथ, इसने सपोर्ट ले ली है। और ये कद्दू की बेल मेरी कुछ वीडियोस में जब ये बेबी थी उस वक्त ये बहुत ज़्यादा आई है और बहुत फ्रेश लगती थी, और इसको अब कद्दू भी लग चुके हैं माशाल्लाह से और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। कुछ रेडिशेज हैं ये, और ये एक आलू का पौधा है। एक आलू मेरे किचन में उसके बर्ड्स निकल रहे थे तो मैंने उसे इस क्यारी में ला के दबा दिया था, तो वो भी ग्रो कर गया माशाल्लाह से। और ये कुछ और स्पिनच के प्लांट्स हैं, और ये एक मेरा फिग का प्लांट है, ये इंजीर का पौधा है और ये मेरा फेवरेट है। इंजीर का फ्रूट मुझे बहुत पसंद है और इस पे कुछ इंजीर लगे हुए भी हैं, लेकिन ये अभी पक नहीं रहे, इसी तरह गिर जाते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है इसकी, या तो इसका सीज़न नहीं है या फिर ये अभी छोटा है शायद इस वजह से। ये मेज प्लांट हैं कुछ, इन पे कॉर्न लगी हुई है लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं हुए, अभी इसको और टाइम चाहिए मैच्योर होने के लिए। ये आप देख रहे हैं ये कॉर्न है। इसके साथ मैंने कुछ और प्लांट्स भी इन जो पॉट्स हैं इसमें लगाए हुए हैं, ये अनियन है और एग प्लांट्स भी है इसमें एक। बहुत इंजॉय किया मैंने इस एक्टिविटी को, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।